तो ये है माइनक्राफ्ट का एक नॉर्मल विलेजर जिससे हमें कोई खतरा नहीं है, एंड ये है एक जॉम्बी विलेजर जो हमको थोड़ा बहुत डैमेज दे सकता है। लेकिन मैं ये सब आपको क्यों बता रहा हूँ, अभी आप यही सोच रहे होंगे ना, क्योंकि ये नॉर्मल से दिखने वाले विलेजर ही मेरे को इस एसएमपी पे डोमिनेट करने में मदद करने वाले हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि ये कैसे पॉसिबल है, तो चलो कहानी थोड़ी शुरुआत से शुरू करते हैं। ये है एक नॉर्मल सी माइनक्राफ्ट एसएमपी जो कि काफी सुंदर है। इसमें कुछ दोस्त रहते हैं और कुछ दुश्मन, एंड इस एसएमपी में मेरा भी एक छोटा सा घर है, मेरी भी एक छोटी सी कहानी है। तो मैं मिलाता हूँ सबसे पहले आपको अपने आप से। तो ये हूँ मैं जो कि खड़ा हुआ हूँ यहाँ पे। वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो, एंड आज की इस वाली वीडियो में मैं आपको दिखाने वाला हूँ ये मेरा एक छोटा सा घर है। एंड अभी रिसेंटली मैंने कुछ टाइम पहले स्टार्ट किया है इस एसएमपी में खेलना। काफी अच्छी एसएमपी है, वैसे तो ये लाइफस्टाइल एसएमपी है बट ये एक तरीके से बहुत शांत एसएमपी है। और यहाँ पे अभी तक कुछ सामान भी इकट्ठा हो चुका है, मैंने बहुत ज्यादा सामान तो इकट्ठा नहीं किया लेकिन थोड़ा बहुत सामान यहाँ पे मेरे पास अभी आ चुका है। यस, अभी फिलहाल के लिए बहुत ज्यादा सामान तो नहीं है, बट अभी मैं सोच रहा हूँ कि मेरे को अपने इस वाले घर को एक थोड़ा बड़ा घर बनाना चाहिए, क्योंकि यार सबके एसएमपी में घर थोड़े बड़े बड़े से है, एंड मेरा ये थोड़ा हेवल वगैरह लगी हुई है। एंड यहाँ पे भाई एसएमपी देखो यार कितनी मस्त बनी हुई है, मेरे को एक अपना अच्छा घर बनाना चाहिए। यहाँ पे थोड़े बहुत वीट लगे हुए थे पहले से ये, तो फिलहाल मेरा ये जो छोटा सा घर है मैं इसको बड़ा करने के लिए जा रहा हूँ, लेकिन उसके लिए मेरे को बहुत सारी वुड चाहिए और अभी वुड मेरे पास है नहीं, तो मेरे को जाना पड़ेगा थोड़ा वुड माइनिंग के लिए। तो चलो चलते हैं एंड थोड़ी लकड़ी इकट्ठा करके लाते हैं। भाई मैं एक चीज तो बताना भूल गया कि इस एसएमपी में लकड़ियां कलेक्ट करना बहुत ज्यादा आसान है, क्योंकि आपको बस एक वुड माइन करनी है एंड पूरे के पूरा आपका पेड़ आपके पास आ जाता है। जितनी भी वुड लॉग्स है और जितनी भी ओक लीव्स है सब आपके पास आ जाती है, आपको ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है ही नहीं। तो चलो जल्दी से मैं सारी वुड कलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ पे काफी सारे वुड कलेक्ट करने के बाद मैं वापस आने वाला होता हूँ अपने घर पे, लेकिन अब जो भी ये कहानी चल रही है वो एक नया मोड ले लेती है। तो लेट्स गो भाई, यहाँ पे फिलहाल के लिए शाम हो चुकी है, मेरे को लकड़ी कलेक्ट करते करते काफी टाइम हो गया यार, और काफी सारे स्टैक्स मैं कलेक्ट करके आ चुका हूँ, इतने मेरे ख्याल से बहुत रहेंगे, नहीं रहेंगे तो मैं और ले आऊंगा, बट फिलहाल चलते हैं अपने घर पे। एंड अभी देखते हैं भाई कैसा घर बनाना है। एक सेकंड, मेरा घर यही कहीं था। वेट अ सेकंड, व्हाट, मेरा घर। एक सेकंड, मेरा घर यहीं पे था। ये सारे कोबलस्टोन वगैरह बिखरे पड़े एंड यहीं पे मेरा घर था। यस, ये एनविल पड़ा हुआ है यहाँ पे, यही मेरा घर था भाई। ये किसने किया मेरे घर के साथ ऐसा? नहीं, अब वैसे तो ये लाइफ स्टाइल एसएमपी थी लेकिन काफी ज्यादा शांत होने के साथ साथ ये काफी खूबसूरत भी बनी हुई थी, तो ये कोई एक्सपेक्ट ही नहीं कर सकता कि कोई किसी का घर तोड़ेगा इस तरीके से। अब मेरा घर जिस तरीके से टूटा हुआ था उससे ऐसा लग रहा था कि किसी ने TNTs लगा के फोड़े हैं, लेकिन मैं पास ही गया था तो मेरे को आवाज तक नहीं आई। एंड ये एक राज बन चुका है कि मेरा घर आखिरकार तोड़ा तो तोड़ा किसने। तो यही जानने के लिए मैं जाता हूँ अपने ही एक फ्रेंड जो कि इस एसएमपी में खेलता है, रैक एमसी के पास। तो चलो गाइस, फिलहाल के लिए मैं जा रहा हूँ रैक एमसी के पास जो कि मेरा इस सर्वर के अंदर दोस्त है। अब मैं उस पे ही ट्रस्ट कर सकता हूँ इस एसएमपी के अंदर, क्योंकि इसके अंदर कुछ प्लेयर्स ऐसे भी है जिनके साथ मेरी दुश्मनी है। तो सबसे पहले मेरे को इससे जानना पड़ेगा। हेलो 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 ऋषभ भाई। भाई एक बात बताओगे अगर पता हो तो तुमको? हाँ, बोलो भाई। कोई आया और मेरा घर तोड़ के चला गया पूरा का पूरा। हाँ? तुमने देखा कि किसने नहीं, तोड़ा? मुझे तो ये सब पता नहीं है। आपका घर ही तोड़ दिया मतलब? हाँ, मेरा पूरा का पूरा घर तोड़ दिया भाई, ऐसा लग रहा है TNT लगा के फोड़ा है। बट कौन हो सकता है मुझे तो नहीं पता, लेकिन आप ये विजय पे शायद विजय कर सकता है क्योंकि वही आपका एक दुश्मन है अभी सर्वर में। तो एक सेकंड, कहीं तुमने तो नहीं फोड़ा ना? अरे मैं क्यों फोड़ूंगा यार, मैं आपका दोस्त हूँ। बात तो तुम्हारी ठीक है लेकिन विजय भी यार ऐसा क्यों करेगा, माना वो मेरा दुश्मन है लेकिन घर तो नहीं तोड़ेगा यार। क्योंकि वो आपका पहले से एनिमी है यार, वो लड़ाई के लिए कर सकता है। अब इस एसएमपी के अंदर मेरी लड़ाई हो चुकी थी पहले एक प्लेयर के साथ जिसका नाम है विजय। अब उससे लड़ाई होने के बाद मेरा उससे ज्यादा कुछ बातचीत तो नहीं थी, लेकिन अब जब मेरा घर टूटा है तो मेरा और मेरे फ्रेंड दोनों का शक जाता है सिर्फ एक ही इंसान पर जो कि है वो विजय। तो अब ये पता लगाने का कि मेरा घर विजय नहीं तोड़ा है, मैं जाता हूँ विजय के पास उससे बात करने के लिए। ठीक है तो मैं जाता हूँ। लेके जाओ, क्या पता सिक्योरिटी के लिए ये एक ले लो टोटम। ओके, दे दो दे दो दे दो, बहुत बढ़िया थैंक्स। चलो तुमने टोटम दे दिया यार, कम से कम अगर वो मेरे को मारेगा तो मेरी प्रोटेक्शन हो जाएगी, थैंक यू। ओके चलो फिर मैं जा रहा हूँ, बात करके मिलता हूँ तुमसे। फिलहाल चलते हैं गाइस विजय के घर पे एंड उससे पूछते हैं कि उसने आखिरकार ऐसा किया तो किया क्यों। लेकिन एक सेकंड भाई, रात हो चुकी है, एक काम करते हैं पहले दिन कर लेते हैं।
फिर उसके बाद उससे बात करने चलेंगे। तो लेट्स गो, दिन हो चुका है एंड अरे यार मैं तो फंस गया यहाँ पे। ओके लेट्स गो, एंड ये सामने वाला घर शायद विजय का ही है। हेलो 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 भाई विजय, मेरे को तुमसे कुछ बहुत इंपॉर्टेंट बात करनी है। मेरा घर किसी ने तोड़ दिया है और मेरा शक है कि तुमने तोड़ा है। नहीं मैंने नहीं तोड़ा भाई। देखो मैंने बात की अपने फ्रेंड से, रैक एमसी से भी, उसका भी शक तुम पे ही जा रहा है और मेरा शक तो पहले से तुम पे था ही। तो सच सच बताओ तुमने मेरा घर तोड़ा, तो तोड़ा क्यों, मतलब क्या जरूरत पड़ी थी यार मेरा घर तोड़ने की? नहीं भाई मैंने नहीं तोड़ा, मुझे नहीं पता किसने तोड़ा तुम्हारा घर। तो और कोई तो है ही नहीं ना इस सर्वर में जो कि हम मेरा घर तोड़े, ना रैक एमसी ने तोड़ा ना मैंने। तो कितने तोड़ा? अरे नहीं पता ना भाई। अरे 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 छिट 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 छिट। अरे ठीक है भाई, अरे यार ये पानी, अरे पानी कहाँ जा रहा है? व्हाट? अरे यार ओके वेट वेट, बुझ गया बुझ गया बुझ गया यार। मेरे को पूरा शक है कि तुमने ही तोड़ा। अरे अब विजय से बात करने में गया तो था लेकिन उसने साफ साफ मना कर दिया कि उसने मेरा घर नहीं तोड़ा है। अब मैं उसकी बातों पे इतनी जल्दी से यकीन तो नहीं कर सकता, तो मैं उससे कुछ उगलवाने की कोशिश कर ही रहा होता हूँ लेकिन तभी एक बार मैंने बोला तो नहीं समझ आता क्या तुमको? ठीक है मैंने नहीं बोला तुमको। समझ गया मैं जा रहा हूँ, मैं बाहर जा रहा हूँ, तुम अंदर रहो भाई, तुम अंदर रहो ठीक है, तुम्हारे की जरूरत है। भाई यार ये तो गुस्सा हो गया, शिट भाई अब तो मेरे को पूरा शक है कि भाई इसने ही मेरा घर तोड़ा होगा जिस तरीके से इसने मेरे को भगाया मार के। एंड गाइस अब है फाइनली ये रिवेंज टाइम, क्योंकि ये मेरा घर टूटा है। भले ही मानो कि वो मेरे को तोड़ना था, उसको नया बनाना था, लेकिन भाई कोई ऐसे मेरा घर तोड़ेगा तो साफ पता चलता है कि उसको मेरे से कितनी दुश्मनी है। तो अब मैं लेने वाला हूँ अपना रिवेंज, लेकिन उसके लिए मेरे को बहुत ही तगड़ा आर्मर चाहिए होगा। अब ग्राइंड करके ये सब सामान कलेक्ट करने में मेरे को काफी हफ्ते बीत जाते हैं, लेकिन मेरे को रिवेंज तुरंत ही लेना था। तो मैं इस्तेमाल करता हूँ एक सीक्रेट प्लगइन का। वो सीक्रेट प्लगइन मेरे को डालना सर्वर के फोल्डर के अंदर, लेकिन सर्वर का जो मैनेजर है वो इसको इतनी आसानी से नहीं डालता। तो मैंने एक प्लान बनाया, मैंने एक छोटी सी वीडियो रिकॉर्ड की, उसको डाला मैंने प्रीमियर प्रो में, उसको डाला वापस टाइमलाइन में, एंड वहां पे मैंने एक इफेक्ट लगा दिया जिससे कि वीडियो थोड़ी लैगी दिखे एंड वीडियो कुछ इस तरीके की दिखने लगी थी, और ये वीडियो मेरी मदद करने वाली थी। तो मैं ये वाला वीडियो क्लिप और एक सीक्रेट प्लगइन एक फोल्डर में डाल के सर्वर के ओनर को भेज देता हूं, एंड जैसा मैं चाहता था बिल्कुल वैसा ही हुआ। सो फाइनली गाइज मैंने सर्वर के अंदर डलवा दिया है वो वाला सीक्रेट प्लगइन। अगर आपको भी वो चाहिए तो मेरे को आप इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो, वो मैं आपको बता दूंगा। बट वो प्लगइन आखिरकार है क्या? तो फिलहाल उससे होगा क्या कि उससे मेरे को मिलने वाली है इस सर्वर के अंदर काफी इलीगल चीजें जिससे मैं इस सर्वर को बहुत इजीली डोमिनेट कर सकता हूँ। अब आपको मैं दिखाता हूँ, ज्यादा बातें तो नहीं करता हूँ, एक काम करते हैं सीधा चलते हैं। एंड वो जो चीज है वो है इस पॉन्ड के अंदर, चलो दिखाता हूँ। तो यस गाइस ये है वो। अब आप सोच रहे हो ये विलेजर नहीं, ये है एक इल्लीगल विलेजर। तो सबसे पहले तो एक काम करता हूँ, अपनी थोड़ी जो इन्वेंटरी को खाली कर लेता हूँ। सबसे पहले अपना फालतू का सामान इधर उधर डाल देता हूँ जिससे कि मेरे को ज़्यादा तकलीफ ना हो और आपको मैं आसानी से दिखा पाऊँ कि भाई ये क्या कर सकता है। तो ये देखो भाई, ये मेरे को देने वाला है 10 टिक के अंदर एक भरकर सर्कल बॉक्स, बेडरॉक, टोटम, अनलिमिटेड जितनी भी आइटम है मेरे को बहुत इजीली मिल जाएगी। तो एक काम करता हूँ, थोड़ी सी स्टिक्स वाले देख लेता हूँ मेरे पास है कितने स्टिक्स है, क्योंकि बहुत सारी स्टिक्स है मेरे पास। तो एक काम करते हैं, सबसे पहले से थोड़ी ट्रेड करते हैं इस शल्कर में। वो वेट 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 भाई, ये शल्कर खरीदता हूँ। ओके भाई इसमें कुछ ज़्यादा काम का सामान लग रहा है मेरे को तो। ओके भाई इसके अंदर क्या क्या है, लेट्स गो भाई। मेरे पास टोटम, एंचेंटिंग बोटल्स, काफी सारे पोशंस, सोल्ड एंडर पर्ल्स और भाई खाना। तो भाई फिलहाल के लिए मेरे पास आ चुका है पूरा का पूरा नेदराइट आर्मर, काफी अच्छी तगड़ी सोल्ड है ये वाली, ये भी आ चुकी है। एंड इस विलेजर से मेरे को अभी और ट्रेड करना है। इतने से तो खैर काम नहीं बनने वाला क्योंकि मेरे को अपना बदला लेना है घर के बदले घर। तो सबसे पहले मैं थोड़े बहुत बेड रॉक ले लेता हूँ, एक काम करते दो स्टैक, और थोड़े से मेरे को चाहिए गोल्डन एप्पल, गोल्डन एप्पल तो मेरे पास है वेट, और मेरे को चाहिए थोड़े से TNTs, यस, क्योंकि जिससे मेरा घर उड़ाया गया मेरे को वही चाहिए। अब इससे मैं लूंगा अपना फुल बदला। तो चलो गाइस फाइनली अब होती है अपनी रिवेंज लेने की बारी, लेकिन उससे पहले थोड़ी एक्सपी बढ़ा लेता हूँ यार अपना। एंड एक सेकंड, टोटम तो मैं भूल ही गया था। तो भाई यहाँ पे मेरे को मिल चुका है स्टैकेबल टोटम्स, मतलब कि मेरे पास 64 टोटम एक हाथ में मैं रख सकता हूँ। कमाल की बात यह है कि मेरे भले पीवीपी कितनी भी बुरी हो, एक काम करो थोड़ा बेड रॉक और ले लेता हूँ ठीक है। अब मेरे को पीवीपी में कुछ भी ध्यान देने की जरूरत नहीं है, मेरे को बस मारते जाना है, लड़ते जाना है। अगर मैं नहीं भी मारूंगा तो भी मेरे को कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। चलो चलते हैं एंड अपना बदला लेते हैं। फिलहाल के लिए मेरे पास काफ़ी तगड़ा आर्मर आ चुका था, काफ़ी टोटम्स आ चुके थे, तो मैंने सोचा घर तोड़ने से पहले क्यों ना एक बार जाके उससे बात ही कर ली जाए विजय से, और उससे कबूल करवा लिया जाए कि उसने गलती की है। तो मैं जाता हूँ विजय के घर पे, लेकिन वहाँ
कुछ ऐसा होता है। ओके लेट्स गो गाइस, मैं आ चुका हूँ विजय के घर पे। फिलहाल एक काम करते, बंद कर देता हूँ कहीं आने जाए। कहाँ पे भाई, एक सेकंड, ऊपर से आवाज़ आ रही है। ओके ये क्या कर रहा है भाई तेरी तो, रुक बेटा मेरा घर तोड़ेगा। ओ शिट, इसके थ्रोन्स लगी हुई है यार। वेट 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 वेट, रुक जा बेटा, रुक जा वहीं, रुक जा वहीं, रुक जा। अब तो मेरे को नहीं मार सकता इजीली। अब सीधा सीधा बोल दे मेरा घर क्यों तोड़ा तूने, तेरे को पता नहीं मेरे घर, मेरे को भले नया घर बनाना था लेकिन तूने मेरा घर तोड़ के ऊपर से मारे और जा रहा है मेरे। लेकिन तूने जो दुश्मनी का हाथ बढ़ाया ना मेरी तरफ, अब देख ले तेरे साथ क्या करता हूँ। आ जा बेटा, वो भाग रहा है। ओ शिट शिट शिट, हाँ बेटा पाँच शर्ट खा लिया इसने, खाना शिट तेरी तो। बेटा मेरा घर तोड़ने से पहले सोच लेना चाहिए था कि क्या कर सकता हूँ मैं। वो टोटम पॉप हुआ भाई का, चलो भाई वो टोटम पॉप हो चुका भाई साहब। अरे पानी में ओके, अपनी हेल्थ बढ़ाने के लिए पानी की इस्तेमाल, तेरी तो निकल यार। एक तो मेरे पास, अगर मेरी पीवी बहुत अच्छी होती ना तो मैं इसको बताता कि भाई कहाँ जाना होता है, कहाँ नहीं जाना होता, लेकिन मेरे पास अनलिमिटेड टोटम्स है ब्रो। आ जा बेटा, ओके आ गया आ गया, आ जा आ जा आ जा। ओके कोई नहीं, एक काम करते हैं थोड़ा ऊपर चलते हैं। अभी फिलहाल बेडरॉक टीएनटी का काम तो है नहीं, उसका काम बाद में आएगा। आ जा बेटा, कहाँ गया, ओके लेट्स गो, लगा ओके यार तू नहीं फिटिंग मार पा रहा। नो आठ हर्ट, ठीक है सात हर्ट, आई थिंक इसके पास टोटम नहीं है, टोटम खत्म हो चुके हैं। चार हर्ट, तीन ओके, अभी बस स्पैम करते रहता हूँ, एक काम करते हो छोड़ यार। दो एक, भागा 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 एंड लेट्स गो भाई, फाइनली मैंने, एक सेकेंड ब्रो। यस गाइस, मैं तो पता नहीं भूल गया कि अगर इसमें कोई भी मरता है तो उसकी कबर ऐसे कुछ बिछ जाती है एंड साथ ही हमारे पास एक हेड भी आ जाता है। तो एक काम करते हैं, इसके हेड को थोड़ा सजा के रखते हैं यहाँ पे। एंड फिलहाल के लिए अपना बदला अभी भी पूरा नहीं हुआ है, अभी भी अपना रिवेंज पूरा होना बाकी है। चलो भाई इसकी पेटी तो बिछा दी है, अब बारी है घर की। अब किसी न किसी तरीके से मैंने विजय को मार के उसका एक हार्ट ले तो लिया था, लेकिन मेरा रिवेंज अभी भी पूरा नहीं हुआ था, क्योंकि रिवेंज तभी कंप्लीट होता है जब घर टूटा हो तो उसके बदले दूसरे का भी घर ही टूटे। तो लेट्स गो, या फिलहाल गाइस मैंने ये पूरा का पूरा घर बेडरॉक से कवर कर दिया है। एंड ये करने का एक मकसद है कि मैं इस घर को अकेले नहीं, उसकी आंखों के सामने ही तोड़ना चाहता हूँ। तो एक काम करते हैं, फिलहाल के लिए इसकी एंट्रेंस किधर थी, एंट्रेंस दूसरी साइड थी शायद से, ओके इधर थी, कहाँ थी, ये रही ठीक है, यहाँ पे मैंने एंट्रेंस बना के रखी है, यहाँ से मैं अंदर जाऊँगा। एंड फिलहाल टीएनटी लगा देता हूँ काफ़ी सारे, क्योंकि भाई यहाँ पे फोड़ना भी तो है मेरे को, उसकी आंखों के सामने उसका घर फूटते हुए देखना है। देखता हूँ भाई उसका क्या रिएक्शन रहने वाला है। लेट्स गो, या तो ही होगा ठीक है। एंड भाई हर जगह टीएनटी लगा दूंगा, कहीं नहीं छोड़ूंगा, कोई जगह नहीं छोड़नी टीएनटी लगाने से। ओके एंड फ्लिंट एंड स्टील, ओ वेट 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 वेट, नहीं अरे यार शिट, नहीं 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 नहीं, अरे यार शिट यार, ये क्या हो गया भाई, पूरा प्लान पानी फिर गया यार, ऊपर का आधा घर बचा हुआ है बस अब। शिट यार, अब यहाँ एक गड़बड़ हो गई थी, जो मैं टीएनटी लगा रहा था वो पता नहीं किस चीज से एक्टिवेट हो गया और वहाँ पे पूरा का पूरा घर टूट गया, लेकिन अभी भी ऊपर का पोर्शन बचा हुआ था। तो मैंने सोचा क्यों ना ऊपर का पोर्शन ही सही, तो मैंने जल्दी से नीचे के लेयर्स को पूरी बेडरॉक से कवर कर दिया। जाती वापस से काफी सारे टीएनटी लगा दिए पूरे। और अब बारी थी अपने दुश्मन के आंखों में आंखें डाल के उससे बदला लेने की। तो फिलहाल के लिए गाइज विजय तो सर्वर में अभी है नहीं एक्टिव, लेकिन रैक एमसी है, तो एक काम करते हैं रैक एमसी के पास चलते हैं, उसको दिखाता हूँ भाई मैंने क्या क्या कर रखा है फिलहाल के लिए, कुछ उसको बताता हूँ क्या चल रहा है। फिलहाल रैक एमसी अपने घर पे तो नहीं था, कहीं और था, तो सामने उसका फार्म हाउस ये शायद, तो देखता हूँ कहीं यहीं पर चलाओ बात करके देखता हूँ। ओके यहीं पर ये, यस एक काम करता हूँ वी सी बुलाता हूँ इसको। हेलो वी सी आ जाओ ब्रो, वी सी वी सी, हेलो 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 भाई क्या कर रहे हो यहाँ पे। अरे सर भाई बोलो, अरे यार ये मैं फार्म हाउस में थोड़ा काम कर रहा था, बोन मिल बना रहा था। अच्छा अच्छा अच्छा, एक चीज दिखानी तुमको, जल्दी आओ तुमको एक चीज दिखाता हूँ। ओ आओ आओ चलो, वही था ना। हाँ, तो घर पे तो नहीं गए ना अपने? नहीं नहीं घर पे क्यों, आ जाओ जो सब बताता हूँ सब पता चल जाएगा। विजय को वहाँ पे ट्रैक किया क्या? हाँ हाँ आ जाओ ना, तुम्हें कहते पता चला, जल्दी आओ जल्दी। अरे सर भाई आ गया आ गया, आ जाओ आ जाओ। अरे वो क्या मेरे घर को ये क्या कर दिए? अरे तुम्हारा घर था यार, मैंने इसमें इसमें ट्रैप कर दिया। ओ अरे भाई इतना मेरी कहाँ से होगा भाई, वो बेडरॉक भाई, वो
आओ सब बताता हूँ, सब समझाता हूँ, आ जाओ तो आ जाओ रे के एम सी भाई, आओ जल्दी जल्दी आओ, दिखाओ तुम्हें घर कैसा लग रहा है। तुमने मेरा घर क्यों तोड़ा? मतलब क्या चाहते हो भाई? मतलब कहना ये चाहता हूँ कि तुमने मेरा घर तोड़ा और मेरे को जानना है कि अब तुमने मेरा घर क्यों तोड़ा, सच सच बताओ भाई। मैंने कब तोड़ा? तो और किसने तोड़ा? विजय ने भी नहीं तोड़ा तो? भाई विजय तोड़ा है भाई। अरे विजय ने नहीं तोड़ा, ये कैसा है? मतलब मैं, अरे कब हुआ भाई? मेरा शक तुम पे है कि तुमने तोड़ा। भाई मैं थोड़ी ना तोड़ूंगा, मैं तो दोस्त हूं। तुम बता रहे हो या फिर? ऐसा मत करना ऋषभ भाई। ठीक है तो जल्दी जल्दी बता दो कि ऐसा क्यों किया तुमने और किसके कहने पे किया भाई? बता रहे हो या फिर? मैंने नहीं तोड़ा यार। मुझे पता है कि तुमने ही तोड़ा है। और आपके पास प्रूफ क्या है मैंने तोड़ा है? बोलो आपके पास प्रूफ क्या है? प्रूफ? मेरे को प्रूफ देने की जरूरत तो नहीं है, लेकिन भाई मैंने तुमको दोस्त माना था यार और तुमने मेरे साथ ऐसा किया। छी यार, तो मैं भी तो दोस्त मानता हूँ, मैं थोड़ी ना तोड़ा हूँ कुछ। तो ठीक है, आखिरी मौका दे रहा हूँ तुमको, तुम बता रहे हो या फिर मैं समझ रहे हो ना? नहीं नहीं अच्छा ठीक है, रुक जाओ ठीक है। तो अभी आप लोग सोच रहे होंगे कि ये सब क्या चल रहा है, मतलब कि रैक एमसी तो मेरा दोस्त है ना। बट विजय को मारने के बाद मेरे दिमाग में आया, अगर विजय ने मेरा घर तोड़ा होता तो वो मेरे को मरने से पहले बता देता, ना कि अपना एक हर्ट गवाता। और साथ ही अपने शक को मैंने यकीन में बदलने के लिए मेरे दिमाग में आया कि जब मैं लकड़ी काटने जा रहा था तब मैंने रिप्ले रिकॉर्डिंग ऑन कर दी थी एंड उसकी मदद से मेरे को कुछ ये देखने को मिला। सुनो भाई, मैं आपका घर मजाक में तोड़ा क्योंकि आपका घर किसी काम का नहीं था, इतना तो लप्पू सा घर है। भाई मजाक में मेरा घर तोड़ दिया तुमने? हाँ, अब मैं सोचा कि तोड़ देंगे और फिर हम लोग मजाक में मैं तोड़ दिया। भाई मेरे को माना मतलब कि मेरे को नया घर बनाना था, लेकिन हाँ। इसका मतलब ये थोड़ी है कि भाई तुम मेरा घर तोड़ दोगे, ऐसा लग रहा था कि दुश्मनी निकाल लो। भाई उस घर में कुछ है ही नहीं। ये तो कोई बात नहीं होती, आओ फिर तुम्हारा घर दिखाता हूँ भाई। लेकिन मेरा घर पता है बहुत मेहनत से बना है। अच्छा अच्छा, इसे क्या तोड़ने चल रहे हो? आ जाओ तुमको दिखाता हूं तुम्हारा घर कितनी मेहनत से बना है। देखो कितना प्यारा घर है तुम्हारा। तुमने तोड़ के गलत किया भाई। ये देखो, अब देखो कितना प्यारा घर बचा है तुम्हारा। नहीं, पानी नहीं, ओह शिट। नहीं, ओह भाई, लेट्स गो भाई, ऐसा नहीं करना था भाई। ओ भाई पूरे मस्त मजा आ गया। एक सेकंड, ये जगह कैसे खुल गई? वेट इसको कर्व करने पड़ेगी पहले। तुमने अच्छा नहीं किया, अब तुम मरोगे मेरे। हाँ वेट देखते कौन किसके हाथों मरता है। वेट सबसे पहले तो ये जगह बढ़ लेता हूँ, तुम बाहर ना निकल जाओ ना। वेट अरे बाहर मैं नहीं जाऊँगा आज, तुमको देख लो, मैं खुद ही लगा 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 देखते है कौन जाता है कौन नहीं जाता। मरोगे भाई, तुमने ये अच्छा नहीं किया। मैं सोचा था साथ में मिलके घर बनाएंगे, लेकिन तुमने ये अच्छा नहीं। मेरा घर तोड़ा भी तुमने साथ में मिलके बनाने। स्टार्टिंग से बचाता आया मेरा घर तोड़ने के बाद। अच्छा, ये सब तुमको लड़ना है क्या? हाँ लड़ना, हाँ ऑब्वियसली लड़ना ही है। मारो मेरे को आराम से। हाँ आराम से ना, मार के दिखाओ मेरे को, देखते हैं मार सकते हो कि नहीं। चैलेंज है तुम्हारे को, मारो। ठीक है ले लो। हाँ मारो मैं कुछ भी नहीं कर रहा है। हाँ, मैं कुछ नहीं कर रहा। क्या भाई तुमको मरना क्यों मेरे हाथ में? मार के दिखा दो, मार सकते हो तो मार के दिखा दो, कुछ भी नहीं कर रहा। मैं मस्त खड़ा हूँ एक जगह पर, खड़ा हो मस्त शॉट चला रहा हूँ। मारो मार। क्या हुआ, नहीं मार पा रहे क्या? बस निकल गई। अभी मार दूंगा भाई। अरे तो मैं कुछ कर भी तो नहीं रहा ना जिससे टोटम जाए। मैं कुछ करना चालू करूँ तो टोटम जाए भी भाई, क्योंकि तुम मार ही नहीं सकते ना। तुम्हारी हिम्मत कैसे ले ली भाई? तुम्हारे टोटम के हाथ से ऑटो टोटम लगाए हो क्या? इतना कहाँ से टोटम है? ऑटो टोटम ये क्या होता है भाई, मेरे को तो पता नहीं। ए पोशन, अच्छा पोशन वोशन लगाए जा रहे भाई। होता है भाई हैक्स। ओ शिट मेरा लो, ओ चार हट चार हट। ओके भागने की कोशिश की जा रही है क्या? यस। ओके अब तुम देखो भाई, पोशन वोशन सब लगा। मार 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 के दिखा, मार के दिखा। भागते क्यों? आओ लड़ो। मैं कहाँ भाग रहा हूँ भाई, मैं तो यही पे खड़ा हूँ, इतने आसानी से तो खड़ा हूँ तब से मैं।
अब से तो मैं मारने की कोशिश नहीं कर रहा, अपनी टोटम फोड़वा रहा हूं। लो एक और टोटम गया। हां मेरे को पता चल रहा है। अरे तोड़ भाई, मार मार, देखते हैं ना मैं कितनी देर में मर पाता हूं। अभी तो वो कौन भाग रहा है, कौन भागने की कोशिश कर रहा है, कोई तो भागने की कोशिश कर रहा है अभी। कहां भाग रहे हो? भाग कौन रहा है वो तो मैं चेक कर रहा था। तुम भाग सकते हो कि नहीं? मैं ये रास्ता खोला जा रहा है अभी, मैं समझू ये कोविड स्टोन को लगाए थे अपने आप से, जिससे कि भागा जाता के रास्ते कहाँ खोल रहे? ओ, नहीं 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 नहीं, अरे 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 कौन भाग रहा है? कौन खोला रास्ता भाई? भाई कितना भागोगे भाई? अरे नहीं हो पाएगा टीएनटी तो कुछ कम से, नहीं हो पाएगा कुछ भी। कहाँ भागोगे? ओके कौन भाग रहा है भाई, कौन भाग रहा है, तुमको कौन लग रहा है भाग रहा है यहाँ पे? कोई नहीं दिख रहा है अभी तो, कौन भाग रहा है? दिख रहा है कौन भाग रहा है? लो टीएनटी मैं जला रहा हूं यार, तुम कहाँ जाके जा रहे हो? अरे यार ये कितना टोटम लगायो, अब तो मरे नहीं। टोटम टोटम की चिंता मत करो, 3 हार्ट, लेट्स गो, 2 हार्ट, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, 1 हार्ट, ओ नो, लेट्स गो। अरे नहीं, खाना खाए, खाना खाए, भागना, मुझे थोड़ा भाग लेना चाहिए। ओके, ओ भागा जा रहा है, व्हाट भाई भाग कौन रहा है? मैं तो बस थोड़ा चल रहा हूं। भाई यार भागना शुरू कर दिया ना, तुम ही नहीं आ रहे, देखो तो आ जाओ आ जाओ आ जाओ, यही पीछे देखो, पीछे लगा, ओ लेट्स गो, 1 हार्ट, ओके। कुछ भी नहीं फर्क पड़ रहा भाई मेरे को, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा कितना ही मार लो, लेट्स गो। हाँ लेट्स गो लेट्स गो, ठीक है मैं भी आ रहा हूँ भाई, मारते मारते पीछे। ओ हर्ट बढ़ाए जा रहे भाई तुरंत तुरंत, लेट्स गो। ओके अरे अरे कोई ना, तुम रख लो, क्या ही याद रखोगे? ये क्या हुआ, एक जगह खड़ा क्यों हो गया ब्रो, क्या हो गया? बस हार मान ली क्या? अरे यार तुम्हारी इतनी पीवीपी अच्छी क्यों हो गई है? मेरी पीवीपी अच्छी नहीं हुई है, तुम एक जगह खड़े हुए थे, अभी देखो कैसे मारता हूँ तुमको, तुम तो मेरा कुछ बिगाड़ नहीं पाओगे, ये तो मेरे को पक्का यकीन है। आ जाओ जाओ मार के दिखाओ। वेट मेरे पे टोटम नहीं है, वेट व्हाट, लेट्स गो, टोटम खत्म होने वाले क्या? अब तो मरोगे, रुको, तुम्हारा हेलमेट टूट चुका है भाई, तुम रुको अब। बच्चे कितने? ओके अरे फोड़ लो भाई टोटम, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ रहा, मारो मारो मारो, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों? 3 हार्ट, अनलिमिटेड टोटम है क्या, ऐसा क्या कह रहे हो? हां हां ऐसा पता चल गया। अरे तुम्हारा टोटम क्यों हाथ में है ऐसे? अरे यार चिट 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 पानी में गिर गया, फिर तो भागने का मौका मिल जाएगा। नहीं अरे यार आगे बेटा, रुक 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 रुक, आगे आ गया, अरे फिर भाग गया, रुक जा, कहाँ तक भागेगा, कितनी दूर भाग लेगा भाई, कितनी दूर भाग लेगा? आ गया मैं, आ गया, कहाँ पे है, कहाँ जा रहे हो? पीछे पीछे पीछे, अरे पीछे देखो कौन भाग रहा है। अब मैं 12, लेट्स गो, अब ठीक है, टोटम भी नहीं है और तुम्हारे पास भागने का मौका नहीं है। हाँ हाँ देखते चलो, बस मर जाते भाई। मैं सोचा था साथ में मिलके एक नया घर बनाएंगे, लेकिन तुमको नहीं करना। ओ अच्छा, तुम्हारा तो घर भी नहीं था। अच्छा, अच्छा। मेरा घर तो था, तो मैं अपना घर बनाने वाला था ना, इसलिए तो गया था मैं। 3 हार्ट, तुम गए, मैं तो नहीं जा रहा ब्रो, 1 हार्ट, मुझे भागना चाहिए। वेट वेट वेट, नो भाई टीएनटी मैं ही लगाया। नो नो नो, चलो लेट्स गो, एंड 3 2 1 लेट्स गो भाई, फाइनली। अच्छा भाई ये अच्छा नहीं किया भाई, मैं भी यही कहना चाहता हूँ, तुमने भी अच्छा नहीं किया जो मेरे साथ किया। तुमने? हाँ तो तुमने मेरा घर तोड़ा, मैंने इसलिए किया है तुम्हारे साथ ऐसा। भाई आपका घर कहाँ था, वो तो एक छोटा सा कुछ लप्पू सा तो एक घर था, बट जो भी था मेरे को मेरा रिवेंज कंप्लीट हो चुका है, मैं बन चुका हूँ अभी फिलहाल इस सर्वर का सबसे ज्यादा पावरफुल प्लेयर, लेट्स गो।